ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ऐसा लग रहा है पिंक कलर की बार्बी डॉल है। पूनम तो कब की पीछे छूट चुकी है और ऑब्वियसली वो शो में होता है, रियल लाइफ में कोई भी वैसा नहीं होता है, तो हमें ऐसी जगह पाने के लिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मजबूरी है हमारी। और स्पेशली इनका ये गुलाब का फूल और ये इनका टिमटिमाता हुआ छोटा सा दिल देख रहे हो, मतलब बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हुस्न, ऐसा लग रहा है ना कि हुस्न की तिजोरी है, बस एक तिल लगा दो जो दरबान बैठ जाए। एक्चुअली इनकी तारीफ मैं क्या करूँ, ये तो शो में भी हैंडसम लगते हैं बहुत, अभी भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। डिफरेंस इतना है शो में एक कुर्ता पहनते हैं, अभी ये जॉगर्स एंड ऑल ना विशाल। कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मैच करने की, अब तुम इतने पटाखा बन के आओगे तो मुझे भी तो रॉकेट बन के आना पड़ेगा ना। आप रॉकेट हो। हम लोगों ने बहुत सारे सेल्फीज लिए जो कि हम पोस्ट भी करने वाले हैं एंड वी रियली एंजॉय। हमारी पूरी टीम भी हमारे साथ में, तो बहुत टाइम बाद हम लोग पूरी टीम ऐसे एक साथ बाहर मिले हैं, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा हूँ, 3-4 माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखे मैंने आईटा में पहली बार। अभी अभी उनका शमिता जी का परफॉर्मेंस देखा मैंने, उसके पहले डी प्लस के जो बंदे थे बच्चे थे उन लोगों ने, भाइयों ने क्या अमेजिंग हार्नेस पे वर्क किया, ब्यूटीफुल। और जयती मैम ऐसे ये रिश्ता मैं उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, और जो उनका परफॉर्मेंस था 3-4 लोगों का वो बहुत माइंड ब्लोइंग था परफॉर्मेंस के बारे में, मेरा नहीं था। हमारी बेगूसराय की टीम नॉमिनेटेड थी फॉर द कास्ट और अनफॉर्चुनेटली हमें अवार्ड नहीं मिला, और हमारा हीरो जो दूसरा हीरो है फॉर फ्रेश फेस, बट यस अगेन अनफॉर्चुनेटली उनको भी अवार्ड नहीं मिला, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यस बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस बार आईटा देखो एन टीवी पे प्लीज, अच्छे परफॉर्मेंस है, अच्छा शो है, ये बहुत मजा आएगा। इस बार के इंडियन टेली अवार्ड्स हमारे लिए भी बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि एक तो एन टीवी पे हम लोग फर्स्ट टाइम शो कर, मतलब फर्स्ट हमारा शो है एन टीवी पर, एन टीवी का ही ये फर्स्ट इंडियन टेली अवार्ड्स है। और मैं तो आईटा में पहली बार आया भी हूँ, सॉरी नहीं मैं पहले भी आई हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। इट्स वेरी स्पेशल और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, सो प्लीज़ डू वॉच इंडियन टेली अवार्ड्स।